हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2020 के 9th मैच के बारे में जो खेला जाने वाला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में। तो जरूर से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। पर इससे पहले आपको बताना चाहूंगा, जिसे भी आईपीएल 2020 में मैच की गारंटीड विनर टीम चाहिए हो सेशन और टॉस की रिपोर्ट के साथ और गारंटीड प्रॉफिट चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में वीसीडी का नंबर है, बिल्कुल जेन्युइन वर्क है, जरूर से एक बार मैसेज करके देखिए। इन्हें मैसेज करने पर आपको यकीन फायदा ही होगा। तो भाई पहले बात करेंगे किंग्स इलेवन पंजाब की। इस टीम ने अपना पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सुपर ओवर में हारा था, पर दूसरे मुकाबले में आरसीबी के इन्होंने धुएं उड़ा दिए, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। केएल राहुल ने अपनी सेंचुरी लगाई। इसके अलावा बॉलिंग में मुर्गन अश्विन, रवि बिश्नोई और इसके अलावा शेल्डन कॉटरेल ने काफी जबरदस्त बॉलिंग की। बाकी ओवर्स का भी परफॉर्मेंस अच्छा था और इस मैच में प्लेइंग इलेवन में मुझे नहीं लगता इन्हें कोई भी बदलाव करना चाहिए, वैसे ही प्लेइंग इलेवन रहने देनी चाहिए। तो फिर उनकी प्लेइंग इलेवन मेरे ख्याल से लोकेश राहुल, मयंक अग्रवाल, करुण नायर, निकोलस पूरन, ग्लेन मैक्सवेल, सरफराज खान, जेम्स निशा, मुर्गन अश्विन, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी और शेल्डन कॉटरेल। और इस मैच में इनके सामने होंगे राजस्थान रॉयल्स, जिन्होंने इस सीजन एक ही मुकाबला खेला है और उस मुकाबले में इन्हें जीत मिली थी। वो मुकाबला इन्होंने सीएसके के खिलाफ खेला था। बैटिंग में संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी। बॉलिंग में इन्होंने ठीक ठाक बॉलिंग की थी, थोड़े से बॉलर्स इनके एक्सपेंसिव थे, बड़ा टारगेट था, इसके चलते टारगेट तो इन्होंने डिफेंड कर दिया। और बड़ा टारगेट होने के बावजूद इन्हें कोई ज्यादा बड़े मार्जिन की जीत नहीं मिली, एक छोटे से मार्जिन की जीत से इन्हें संतुष्ट होना पड़ा। इस मैच में इनके लिए बड़ी अपडेट यह है कि जॉश बटलर होने वाले इस मैच में अवेलेबल, तो उस हिसाब से इनकी प्लेइंग इलेवन कुछ ऐसी हो सकती है। जॉश बटलर, यशस्वी जायसवाल, रॉबिन उथप्पा, संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ और हाँ बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा चेंज भी किया जा सकता है। उसके बाद रियान पराग, श्रेयस गोपाल, टॉम करन, जोफ्रा आर्चर, राहुल तिवाटिया और एंडमे जयदेव उनाडकट। इस मैच की मेरी ड्रीम इलेवन टीम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टीम के बेसिस पर अपनी खुद की टीम भी बना सकते हैं। ये मुकाबला खेला जाएगा शारजा में और शारजा में ही इस सीजन सबसे ज्यादा रन बने हैं आईपीएल में, कंपेरेटिवली अबुधाबी और दुबई के। शारजा में ज्यादा रन बने हैं, ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली पिच रही है। इस मुकाबले में भी बैटिंग फ्रेंडली पिच ही एक्सपेक्टेड है, ज्यादा रन हमें देखने को मिल सकते हैं। 180 के आसपास का टोटल तो बनाना ही पड़ेगा, उससे ऊपर का टोटल एक अच्छा टोटल माना जाएगा। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे इस सीजन अभी तक दो मुकाबले खेले गए हैं और दोनों ही मुकाबले में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मुकाबला जीता है। ड्यू फैक्टर है पर उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, जिसके चलते उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, जिसके चलते दोनों ही टीमें शायद पहले बैटिंग करना प्रेफर कर सकती है और इस मुकाबले में मेरे ख्याल से पहले बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस हाई होंगे। आईपीएल हिस्ट्री में ये दो टीमें 19 बार आमने सामने भिड़ चुकी है, जिसमें से 10 बार राजस्थान को जीत मिली है, वही पंजाब को 9 बार जीत मिली है, यानी हेड टू हेड में ज्यादा फर्क नहीं है, सिमिलर सा रिकॉर्ड रहा है। पर मैच प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मुझे लग रहा है ये मुकाबला जीतेंगे राजस्थान रॉयल्स। मुझे लग रहा है राजस्थान रॉयल्स की टीम ज्यादा बेहतर है, तो मेरा मैच प्रेडिक्शन है राजस्थान रॉयल्स। पर ये मेरा पर्सनल मैच प्रेडिक्शन है, गारंटेड मैच प्रेडिक्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वीसीडी का नंबर दिया है, जरूर से उन्हें मैसेज कीजिए। अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद।